आज मैं आपको सिखाऊंगी सिंह गर्जन आसन या सिंह मुद्रा का अभ्यास, जो कि हमारे थ्रोट से रिलेटेड सारी की सारी समस्याएं, टॉन्सिल्स, थायराइड, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जानेंगे लाभ क्या है, सावधानियां क्या है, कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं जो कि आपको नहीं करना है, बहुत सी चीज़ें बताऊँगी। इसीलिए वीडियो को शुरू से ले कर अंत तक देखिएगा ताकि सारी जानकारी आप समझ जाएँ। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा जरूर बन जाइएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जरूर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहां भी मैं हर दिन नए नए अपडेट्स डालती रहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले जानते हैं सिंह गर्जन या सिंह मुद्रा का अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपको क्या स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं और आपको क्यों करना चाहिए। सिंह गर्जन का जो अब अभ्यास करते हैं तो आपके पूरे थ्रोट रीजन की मसाज होती है, इस जगह पर ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। तो इससे हमारे लिम्फेटिक नोड्स, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, हमारा टॉन्सिल जो है स्वस्थ रहता है, टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन नहीं होता है। लोगों को अगर इन्फेक्शन हो जाए और यहाँ पर जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाए तो क्या होता है कि लोगों को आगे चल के टॉन्सिल्स का कैंसर भी देखने के लिए मिलता है। आपके थायराइड ग्लैंड भी यहीं पे हैं। इसके अलावा लैरिंग्स, फेरिंग्स, आपका वॉइस बॉक्स सब तो यहीं पे है। और जो ब्लड का फ्लो आपका ब्रेन की तरफ होता है वो गर्दन से ही, तो ये सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं, नर्व्स यहीं से तो जा रहे हैं जिससे कि ब्रेन से निकलने वाले सारे कम्युनिकेशन और सिग्नल्स हमारी बॉडी तक पहुँचे। इस अभ्यास को करने से आपके आँख का फंक्शन, आपके कान का फंक्शन, आपके पूरे के पूरी जीभ को बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेशन मिलता है। तो आंखों की रोशनी बढ़ी, आपके कान में सुनाई अगर देना कम होता है या कान में दर्द होता है वो सारी समस्याएं दूर होंगी। चेहरे पर ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा जिससे कि नेचुरल ग्लो जो है आप देखने के लिए मिलेगा। आपको बिना किसी ब्यूटी पार्लर गए हुए आपको चेहरे पर एक प्राकृतिक वो तेज देखने के लिए मिलेगा। चेहरे पर झुर्रियाँ, झाइयाँ, फोड़ियाँ, फुंसी हो जाती हैं तो वो सब चीज़ें भी दूर होंगी। और एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात कि हमारे गर्दन पर उपस्थित होता है विशुद्धि चक्र। इस तरीके के अभ्यास से इन चक्रों पर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके अलावा जो लोगों को भी बहुत गुस्सा आता है या कि फिर डिप्रेस होते हैं, किसी से कोई बात कह नहीं पाते हैं जिसकी वजह से अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस करते हैं, तो इस अभ्यास को करने से वो सारे के सारे जो चीज़ें हैं जो दबी हुई हैं उनको ड्रेन कर सकते हैं और लाइट महसूस करेंगे। जो लोग हकलाते हैं, तुतलाते हैं, उनको भी इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, किसी से बात करने में बहुत फ्लुएंट होना चाहते हैं तो भी अभ्यास आपको बहुत मदद करेगा। इतने सारे मैंने बेनिफिट्स बता दिए, अब मैं ये करना बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस अभ्यास को करेंगे। अब चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करेंगे सिंह गर्जन का अभ्यास। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके से वज्रासन में बैठे हुए हैं। वज्रासन में बैठने के बाद अपने दोनों घुटनों को एक दूसरे से ऐसे अलग करेंगे, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। जब आप अलग करेंगे तो ध्यान देंगे कि आपके दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे के साथ हैं और एड़ियां बाहर की तरफ है, इस तरीके से। और पैरों को एकदम अच्छी तरीके से ऐसे करके खोलना है आपको। इसके कुछ वेरिएशंस भी मैं बताऊंगी, इसीलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अपने हाथ की हथेलियों को आपके दोनों घुटनों के बीच में रखना है, इस तरीके से। अगर आपके हाथ की हथेलियों को ऐसे रखने में कोई परेशानी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपकी उंगलियों को अंदर की तरफ घुमा दें, कलाई को बाहर की तरफ रखें, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से। अब आपके चेस्ट को जो है बाहर की तरफ पुश करेंगे, इससे क्या होगा कि आपका हार्ट और लंग्स ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से वेंटिलेट होंगे। स्पाइनल कॉर्ड आर्च करेंगे, छाती बाहर की तरफ खींचेंगे तो इससे आपके चेस्ट रीजन पर भी बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। तो इस तरीके से अपने चेस्ट को बाहर की तरफ ऐसे पुश करें, ये ऐसे चेस्ट को ऐसे बाहर की तरफ पुश किया, चेहरे को स्लाइटली उठा दिया छत की तरफ, इस तरीके से। और फिर उसके बाद अपने जीभ को बाहर की तरफ खींचा और फिर जीभ की जो टिप है इसको घुमा दिया अपर पैलेट की तरफ,
ऐसे ऊपर की तरफ, या जीभ का जो आपका टिप है ये ऊपर वाला पैलेट जो है फ्लोर है उसको टच करें ऐसे, और आपके मुंह को बंद कर लें, कुछ देर ऐसे ही रहें, और आपकी जो नज़रें हैं दोनों आईब्रोज के बीच में फिक्स कर लें और चेहरे को स्लाइटली ऐसे घुमा दें, और फिर सांस लें नाक से, और सांस छोड़ते हुए जीभ को बाहर की तरफ खींचें और आ की आवाज करें, कैसे इस तरीके से। जब आप इस तरीके की आवाज करते हैं तो क्या होता है कि आपके गर्दन पर जो भी ब्लड रुका हुआ है वो आपके किडनी के थ्रू, मतलब वो ब्लड जो है वहाँ से हटता है, ड्रेन होता है, किडनी से प्यूरिफिकेशन होता है। तो यही कारण है कि इनका फंक्शन इतनी अच्छी तरीके से इम्प्रूव होता है। वापस से देखिए, हथेलियों को इस तरीके से घुमाया कि उंगलियां अंदर और कुहनी बाहर, छाती को बाहर की तरफ पुश किया और जीभ को बाहर पूरा निकाल के पहले अंदर की तरफ खेचरी मुद्रा लगाई, नज़रों को दोनों आईब्रोज के बीच में फिक्स किया शांभवी मुद्रा में, और चेहरे को घुमा ऊपर की तरफ खींच लिया ताकि गर्दन पर बहुत अच्छी एक एक्टिवेशन आए ऐसा। सांस लेंगे नाक से और सांस छोड़ते हुए पूरी जीभ को बाहर की तरफ खींच के जब आप अभ्यास करते हैं तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपके पूरे के पूरे माउथ पर आता है, मुंह पर आता है, और इससे आपके चेहरे पर बहुत अच्छा एक गालों पर बहुत अच्छा खिंचाव होता है, एक्टिवेशन होता है। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रहकर योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को एक घंटे की ड्यूरेशन में लाइव क्लासेस होती हैं। इन लाइव क्लासेस के साथ जुड़ के आप मेरी निगरानी में रह के मैं आपको देख सकूं, आप मुझे देख सकें, आसन कैसे करते हैं, प्राणायाम कैसे करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, लाइफस्टाइल में किस तरीके से सुधार ला सकते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट डाइट में किस तरीके से सुधार ला सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको स्टेप बाई स्टेप जानने के लिए मिलेगी, जिससे आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ मिल सके। इसके अलावा जब आप इस तरीके का रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको आपकी हेल्थ कंडीशन में बहुत बेहतरी देखने के लिए मिलती है। और आपको पता है, अगर इस तरीके से अभ्यास आप करते रहते हैं तो आपको आपके स्वास्थ्य में बहुत अधिक लाभ मिलता है। आपको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, PCOD, PCOS, जननांगों का स्वस्थ ना होना जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते, मानसिक तनाव होना, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रात में नींद ना आना, या तो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, इन सारी की सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेज में योग करना आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है, और मेरी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिले हैं। अगर आप किसी कारण से ये लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो मैंने कुछ कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं जो कि कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली हैं। एक घंटे की वीडियोज़ आपके सामने प्ले होगी और उन वीडियोज़ को चला के आप अपने घर के कम्फर्ट जोन में आराम से अभ्यास कर सकते हैं। ये वीडियोज़ मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर नहीं अवेलेबल हैं, एक्सक्लूसिव है, और जैसे आप इन कोर्सेज को परचेस करते हैं आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाता है। अगर आप इन लाइव क्लासेस के बारे में और कोर्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट शेयर की है जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैंने ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको सारी की सारी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। अभी वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए और बाद में जाके मेरी वेबसाइट और व्हाट्सएप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब अगर बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा कंडीशन कि ऐसे वज्रासन में नहीं बैठ पाएंगे तो आप क्या करें, ऐसे सुखासन में बैठ जाएं और फिर उसके बाद हाथ को अगर ऐसे बाहर की तरफ घुमा सकते हैं तो अच्छी बात है, ना घुमा पाए तो हाथ ऐसे रखें, चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करके रखें। इस तरीके से
सुखासन में बैठ जाते हैं, थोड़ा इसको और एडवांस करना है, तो इस तरीके से आप ऐसे पद्मासन में ऐसे बैठ जाएं, इस तरीके से ऐसा छाती को बाहर की तरफ पुश करके इस तरीके से अलग अलग वेरिएशन से कर सकते हैं। इसका एक और दो वेरिएशन हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये तो हो गए सुखासन और पद्मासन में आप कैसे कर सकते हैं। अब इसमें सिंहासन को करते हुए आप अपनी जीभ को भी दाएं और बाएं घुमा के अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे रखा और फिर उसके बाद ऐसे बाहर की तरफ खींचा और जबान को दाएं बाएं घुमाएंगे ऐसे। सांस लिया खेचरी मुद्रा और सांस छोड़ते हुए तीन से पांच बार इसका अभ्यास कर लें। इस तरीके से अब इसके अलावा एक और वेरिएशन है जो आप एक और वेरिएशन कर सकते हैं। कैसे घुमाना है पूरी के पूरे ऐसे इस तरीके से गर्दन को कि जिससे कि बहुत अच्छी मसाज ओवरऑल हो जाए। खेचरी मुद्रा लगाई, शांभवी मुद्रा लगाई, इसी तरीके से तीन से पांच बार एक बार एक डायरेक्शन में करें। ऑपोजिट घुमाएं, ऐसा अभ्यास करने के बाद आराम से कुछ देर शांत बैठ जाएं। फिर उसके बाद हथेलियों को रगड़ें, गर्दन के नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें। इतना अगर आपने अभ्यास कर लिया तो आपने पूरे थ्रोट रीजन की बहुत अच्छी मसाज कर ली। ये जान लेते हैं कि इस अभ्यास को कब करना है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग सनराइज के टाइम जब सूरज उग रहा हो और उसकी रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है तो इसका बेस्ट टाइम वो है। लेकिन अगर टाइम ना मिले तो आप दिन में कभी भी अभ्यास करें, शाम के वक्त भी अभ्यास कर सकते हैं। कितनी बार करना है इसका अभ्यास? इसका अभ्यास कम से कम 9 राउंड्स तो करें ही करें, या कि फिर 3 से 5 मिनट अभ्यास करें। शुरू में जब आप इसका अभ्यास करें, अगर आपने पहले कभी भी नहीं किया है तो 5 to 7 राउंड्स इज इनफ। फिर जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ता जाए गर्दन की, तो फिर उसके बाद आप धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते जाएं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताए गए ये अभ्यास आपको बहुत पसंद आए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे स्टेप बाय स्टेप हर एक वेरिएशन को मैंने जो भी बताया। अब आप इसका अभ्यास आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। अगर आपका सुझाव है कोई कि आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं, या कि फिर मुझे नीचे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मेरा प्रयास ये वीडियोस आपको कैसी लगती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल पाए। आप सभी निरंतर योग का अभ्यास करते रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिले। अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।